ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਪ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂ ਸਟਾਕ ਸਨੈਪ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ। सो गाइस, जैसे कि आप सभी ने अभी रिव्यू में देखा कि गाइस अभी जो है ये वाली वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में इंस्टाग्राम पे, तो चलिए गाइस आपको मैं सिखाता हूँ कि गाइस आप लोगों को कैसे एडिट करना है ये वाला वीडियो। सबसे पहले गाइस आप लोगों को करना है यहाँ पे, गाइस आप लोग कैपकट ऐप को ओपन करना है एंड यहाँ पे आप लोग को अपना VPN वगैरह सब कुछ कनेक्ट रखना है एंड उसके बाद सबसे पहले आपको अपनी एक फोटो को ऐड करना है एंड यहाँ पे आपको फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से गाइस आप लोगों को 9:16 आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको इसको जो है आपको फोटो को अपने फुल साइज में कर देना है। इतना हो जाने के बाद आप लोग उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको साइड में मतलब लास्ट में एकदम आपको प्लस का आइकन दिख जाएगा, बट उससे पहले आपको जो यहाँ पे ओवरले पे जाना है। ओवरले पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ये वाली ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उस वाली वीडियो को डाउनलोड करना है एंड उसको डाउनलोड करके आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे ऐड कर देना है फुल स्क्रीन करके आपको फुल स्क्रीन पे एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग को जैसे आप साइड में स्क्रॉल करोगे तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा कटआउट का ऑप्शन। सो आपको सिंपली करना है कि यहाँ पे स्लाइड करना है एंड यहाँ पे आपको कटआउट का ऑप्शन दिख जाएगा, फिर आप लोग को जो यहाँ पे कटआउट के ऊपर टैप करना है और ये कटआउट का ऑप्शन यहाँ पे मिल नहीं रहा है तो शायद स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे कटआउट के ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर जैसे आप टैप करोगे आपको यहाँ पे साइड में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको ग्रीन की स्क्रीन को सिलेक्ट करना है एंड जैसे सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है मतलब आपको इसकी जो परसेंटेज है इसको बढ़ा देना है एंड इसको बढ़ा देने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को जो है यहाँ पे देख सकते हैं गायब हो चुका है एंड इसको आप चाहो तो ऊपर की साइड में भी रख सकते हो, ठीक है वो आपके ऊपर है, आप कहाँ रखना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है। फिर इसके बाद इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आप लोगों को जाना है वापस से बैक एंड ऐड वीडियो में जाना है। यहाँ से गाइस आपको ये स्नैपचैट वाली जो वीडियो है इसको ले लेना है एंड उसके बाद जो एक ग्रीन स्क्रीन है उसको आपको अपने फोटो के हिसाब से आपको उसकी लेंथ रखनी है, जितनी आपकी फोटो होगी उतनी लेंथ रखनी है इसकी, ठीक है। इतना होने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आप लोगों को बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, बैक आ जाएंगे गाइस आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाना, फिर फाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, म्यूजिक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा आप सभी को, फिर आपको यहाँ पे म्यूजिक ऐड कर लेना है। इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे प्ले करके देख लेना है गाइस की आपकी वीडियो कैसी लग रही है यहाँ पे, बट अभी जो हमारे स्टार्टिंग में जो है फोटो में अभी इफेक्ट नहीं लगाया है तो सबसे पहले हम इसके ऊपर टाइप करेंगे एंड यहाँ पे हम जाएंगे एनिमेशन में। एनिमेशन में जाने के बाद गाइस आपको जो कॉम्बो वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर चले जाना है। यहाँ पे गाइस आप लोग को ये जो मतलब क्या है फर्स्ट वाला जो है इसको भी लगा सकते हो आप वैसे तो, बट यहाँ पे मैंने सेकंड वाला यूज़ करना है क्योंकि गाइस मेरे को ये वाला इफेक्ट थोड़ा ठीक लगा थोड़ा लंबे टाइम तक भी इसलिए, और बाकी हम इसकी जो ओपेसिटी इसको अपने हिसाब से रख लेंगे जो मतलब इसका जो स्पीड होगी वो, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वीडियो एकदम एक क्लिक में बन के रेडी है यहाँ पे, बाकी मैं यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह आपको सुना नहीं सकता बार बार गाइस आप लोग को पता ही होगा। बाकी गाइस यहाँ पे जो आप हम इसको एकदम फुल HD में एक्सपोर्ट कर लेंगे। बाकी आज की जो हमारी वीडियो थी यहीं तक थी, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।